हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर सीने में दर्द होता है तो उसका कारण हार्ट अटैक है या फिर पेट की अन्य समस्या की वजह से, जैसे कि गैस्ट्राइटिस हो या पेट में गैस हो या एसिडिटी हो, तो उसकी वजह से भी कभी कभी सीने में दर्द होता है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये हार्ट अटैक का दर्द है या फिर पेट की समस्या का दर्द है, तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम सिम्टम्स के आधार पर या फिर कुछ जांचें करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इन दोनों में डिफरेंशिएट करना इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर सीने में दर्द का कारण हार्ट अटैक है तो इसमें हमें पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और प्रॉपर आईसीयू केयर देनी होती है। और अगर ये वास्तव में हार्ट अटैक का दर्द है और इसको अगर हमने लाइटली ले लिया तो पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो अगर पेट की प्रॉब्लम की वजह से सीने में दर्द है तो उसमें भी इलाज की जरूरत पड़ती है, पर वो इतनी मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती है। तो कुछ सिम्टम्स तो ऐसे होते हैं जो कि क्लियरली समझ में आता है कि हार्ट अटैक की वजह से दर्द है या फिर गैसेस की वजह से, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि ये दर्द हार्ट अटैक का है या फिर पेट में किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो एक्चुअली अगर हार्ट में किसी तरह से ब्लॉकेज हो और हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो वहां की सेल्स डैमेज होने लग जाती है और इस वजह से हार्ट में दर्द होता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और जो पेट का दर्द होता है वो स्टमक में होता है, या तो वो एसिडिटी की वजह से हो सकता है, इस वजह से एसिड रिफ्लक्स होकर इसोफेगस में आता है, तो इस वजह से भी जो हार्ट बर्न बोलते हैं उसकी वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। तो सबसे पहले हम पेन की क्वालिटी को समझते हैं। तो जो हार्ट का दर्द होता है वो सीने में लेफ्ट साइड में होता है और पेन की क्वालिटी ऐसी होगी कि एकदम से पेशेंट को ऐसा फील हो गया जैसे सीने पे कोई वजन रख दिया हो, यानी कि सीने में बहुत हेवीनेस फील होता है। और जो पेट का दर्द होता है वो सेंटर में होता है और उसमें उसके साथ साथ जलन का अनुभव होता है। और दूसरा हम देखते हैं कि पेन किधर रेडिएट हो रहा है। तो अगर हार्ट अटैक की वजह से दर्द है तो वो हाथ में रेडिएट होगा और पीछे शोल्डर में दर्द होता है। कुछ केसेस में जॉ में भी दर्द हो सकता है या फिर नेक में दर्द हो सकता है, लेकिन यूजुअली वो लेफ्ट हैंड में पेन होता है तो वो हार्ट का पेन हो सकता है। तो जब कभी पेट में किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर सीने में दर्द होता है तो वो बैक साइड जा सकता है या गले में हो सकता है, पर वो कभी भी हाथ में रेडिएट नहीं होता है। तो ये तो हो गई बात पेन किधर रेडिएट हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं कि पेन किस टाइप का हो सकता है। तो जो हार्ट अटैक की वजह से दर्द होता है उसमें पेशेंट को पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं और हाथ पे ठंडे पड़ सकते हैं, और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और साथ में कमजोरी फील हो सकती है। तो ये ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ जो होती है उससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये हार्ट की वजह से दर्द हो सकता है। तो जो पेट की प्रॉब्लम की वजह से सीने में दर्द होता है तो उसमें कभी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस यानी सांस में दिक्कत नहीं आती है और न ही पेशेंट को पसीना आता है। उसमें पेशेंट को सीने में दर्द होने के साथ साथ मुंह में एसिड का आना यानी रीगर्जिटेशन हो सकता है, या फिर ब्लोटिंग यानी पेट फूला फूला लग सकता है या पेट टाइटनेस लग सकती है। तो पेशेंट को अगर पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बैठे बैठे थकान आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो इसको हम कार्डियक का दर्द मान के ही चलते हैं। और जो हार्ट का दर्द होता है वो सडन ऑनसेट होता है, यानी एकदम से दर्द शुरू होता है और इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी दर्द बढ़ता ही जाता है। और कभी कभी हार्ट का दर्द लो इंटेंसिटी का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बार सीने में तीव्र दर्द हो, जैसे कुछ एजेड पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट हो तो उनमें कार्डियक का पेन कभी कभी लो इंटेंसिटी का भी हो सकता है। तो लो इंटेंसिटी के पेन के साथ साथ ब्रेथलेसनेस होना, पसीना आना, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सिम्टम हो तो इसे हम कार्डियक का पेन ही मान के चलते हैं। तो अगर पेट की प्रॉब्लम की वजह से दर्द उठता है तो उसमें अगर पेशेंट चलता फिरता है तो उसको अच्छा फील होता है, लेकिन कार्डियक का जो पेन होता है वो चलने फिरने से और बढ़ता है। और एक्सरसाइज करने से गैस्ट्रिक पेन होता है वो कम हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करने से जो हार्ट का दर्द होता है वो और बढ़ता जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री से भी जान सकते हैं, अगर उनको पहले कभी हार्ट अटैक आया हो या फिर वॉल रिप्लेसमेंट हुआ हो, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, लिपिड बढ़ा हुए रहते हैं, मतलब पुराने हार्ट संबंधी अगर बीमारी है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये कार्डियक की वजह से ही दर्द है। तो इसमें ये मान के चल सकते हैं कि पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रहा है वो कार्डियक की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। और पेट संबंधित प्रॉब्लम, जैसे किसी पेशेंट को अल्सर रहा हो, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो
या एसिडिटी ज्यादा रहती हो, रिगर्जिटेशन की प्रॉब्लम हो, तो इसमें अगर चेस्ट पेन होता है तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि ये पेट की प्रॉब्लम की वजह से सीने में दर्द है। तो पुरानी हिस्ट्री देख के भी हम दोनों पेन में अंतर कर सकते हैं। अगर दर्द की वजह से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आना पड़ता है और हॉस्पिटल में आके उनको कार्डियक से रिलेटेड टेस्ट करवाने होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले ईसीजी करते हैं और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे ट्रोपोनिन आई कहते हैं, वो टेस्ट किया जाता है। और अगर कार्डियक इस्टेमिया यानी हार्ट अटैक की वजह से दर्द है तो उसमें ट्रोपोनिन आई का लेवल बढ़ा हुआ आता है और इसके साथ साथ ईसीजी में भी चेंजेस आते हैं। और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से दर्द है अगर, तो उसमें ट्रोपोनिन आई का लेवल नॉर्मल आएगा और ना ही कोई ईसीजी में चेंजेस आएंगे और उनमें कोई ऐसे स्पेशल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ सकती है। अगर पेट की प्रॉब्लम ज्यादा हो तो उसमें कभी कभी एंडोस्कोपी करनी पड़ सकती है। तो अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से दर्द है तो ऐसे में पेशेंट को एंटा एसिड दिया जाता है और पेशेंट को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको एसिडिटी के लिए इंजेक्टेबल भी दिया जाता है और उसके कुछ ही समय बाद पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो गैस के लिए मेडिसिन या एसिडिटी के लिए मेडिसिन दे दी और उसमें अगर पेशेंट को आराम हो जाता है तो ये मान सकते हैं कि ये पेट की प्रॉब्लम की वजह से सीने में दर्द था। और अगर हार्ट अटैक की वजह से चेस्ट में पेन है तो ये सब दवाई देने के बाद भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो जो गैस्ट्रिक पेन होता है वो लेटने पर या खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि लेटने पर जो पेट का खाना है वो इसोफेगस में आता है तो रिगर्जिटेशन होता है और इसकी वजह से दर्द और बढ़ता है। लेकिन कार्डियक के पेशेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी पेशेंट को अगर सीने में दर्द होता है तो हम एकदम से नहीं समझ पाते हैं कि ये कार्डियक पेन है या फिर पेट की वजह से है। तो अगर कार्डियक की वजह से कोई सिम्टम है तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, पसीना आता है, बैठे बैठे घबराहट होती है, तो ये सब वार्निंग साइन देखने के बाद पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और उसको प्रॉपर आईसीयू केयर देनी चाहिए। तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर सारे टेस्ट करवाते हैं। तो सारे टेस्ट करवाने के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर गैस की वजह से सीने में दर्द है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट को एंटा एसिड दिया जाता है और खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना इसको प्रॉपर मैनेज करने के लिए बोलते हैं। और अगर ये दर्द हार्ट अटैक की वजह से है तो इसका पूरी तरह से अलग मैनेजमेंट होता है। और कार्डियक पेशेंट में ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन आई, ईसीजी और आगे जाके इको करवाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसको आगे मैनेज किया जाता है। तो आगे जाके एंजियोग्राफी करना है, एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास करना है, वो सब पेशेंट की रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सीने में जो दर्द उठता है वो कार्डिक की वजह से भी हो सकता है और पेट की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो से आपको दोनों तरह के पेन को समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।